देखो लड़की अच्छी है खासी है, एमबीए कर रखा है और कोई भी पसंद करता है, प्लीज आप इन्हें बताएं, इनका नंबर मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, प्लीज इनसे बात करें और कुछ भी हो। और आंटी एक बार आप ही रिक्वेस्ट कर दो, कुछ भी हो थोड़ा रिक्वेस्ट कर दो मैं कैंडिडेट बस पे। यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी को खुश रखो। अगर वो जॉब भी कराएंगे ना तो मेरी बेटी करेगी, अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, दोनों अच्छा गृहस्थी को चलाएं सर, खुश रखे, चाहे दो रोटी खिलाए, लड़का चाहे गरीब हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी रिच फैमिली में जाए, बस मेरी बेटी को सुख मिले, जो मैं तरसी हूँ ना मेरी बेटी नहीं तरसे उस चीज के लिए। अच्छा आप चाहते हो। वैसे कितने पढ़े लिखे हैं आप थोड़ा बता दें हमें। मैंने MBA किया हुआ है MBA किया हुआ है जी, तो लड़का भी आपको ऐसे चाहिए जो आपके बराबर का पढ़ा लिखा हो, आपसे बिल्कुल। ज्यादा ही हो, राइट। तो गाइस तो मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ सर, मुझे कोई सही सा रास्ता बताइए जिससे मेरी बेटी की शादी हो सके। आप देख रहे हैं आंटी बैठी हैं और ये उनकी लड़की बैठी है, तो इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, इनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो इनसे हम पूरी बात पूछते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आंटी जी अपना मुझे पूरा नाम बताएं, क्या नाम है आपका। मेरा नाम अंजलि है सर, अच्छा, और आपकी बेटी का मैं नाम। बहादुरगढ़ में रहती हूँ, अच्छा ये बहादुर, अन्नू है मेरी बेटी है, अच्छा एक ही एक बहादुर, बेटी है सर मेरी है। ओके ओके। तो हाँ गाइस जी ये चीज़ है कि ये बहादुरगढ़ से मैंने बहुत मुश्किल से बुलाया है, क्योंकि बहादुरगढ़ में जाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने इनको बुलाया। तो इनकी दिक्कत है, इनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है और आंटी बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे आप देखो रो रही हैं। तो आंटी से पूछते क्या दिक्कत हो रही है, शादी नहीं हो पा रही इनकी बेटी की। तो आंटी बताए क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हुआ कि शादी नहीं हो पा रही है। सर, सबसे मेन तो यही प्रॉब्लम है कि हम गरीब है बस, ये तो है, जहाँ भी शादी के लिए जाते हैं ना सर, जिसको भी देखो बस दहेज दहेज दहेज, कहाँ से लाऊँ मैं इतना दहेज बताओ। इसके फादर मेरे को छोड़ के चले गए, अच्छा मैंने इतनी मुश्किलों से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, छोटी मोटी नौकरी करती हूँ मैं, अब अच्छा इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं तो आंटी क्या हुआ, शादी में दिक्कत क्या आ रही है, बताएं आप मुझे। सर। जहाँ पे भी रिश्ता करती हूँ वहाँ पे हर कोई दहेज मांगता, कहाँ से लाऊँ मैं 2 या 3 लाख रुपए, तो चलो जैसे तैसे करके कर दूंगी मैं, इससे ज्यादा मैं कहाँ से ला सकती हूँ आप बताइए। तो गाइस जैसे आप सुन रहे हैं आंटी बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ भी शादी की बात अपनी बेटी की करते हैं उनके लिए, वहाँ पे क्या दहेज मांगते हैं। तो कितने रिश्ते तो ठुकरा चुके हैं लोग दहेज चार के। पांच जगह हो सका सर, एक जगह तो मंगनी भी कर दिया था, उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें 6-7 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, मैं कहाँ से लाती बताओ। 6-7 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, ओके ओके। तो अन्नू जी आप कुछ कहना चाहती हैं। सर मेरी मम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखा है और मैं भी पढ़ाई में मेरा बहुत मन था, मैं अच्छे से पढ़ी लिखी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना पढ़ने के बावजूद भी लोग दहेज मांगते हैं आज के टाइम में। सही और बात है, दहेज में ये नहीं कि थोड़ा बहुत ही मांग ले, जितनी हमारी हैसियत हम उतने तो दे पाएंगे, सामने सही वाले बात बंदे गाड़ी भी मांगते हैं ये सब, मतलब कम से कम 15-20 लाख तक का दहेज मांगने की मांग रखते हैं हमारे सामने है। अच्छा सर, मैं ऐसे 3 या 4 लाख रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरी गुंजाइश नहीं। अगर मैं कर्जा भी लेके अपनी बेटी की शादी करती हूँ तो आगे कहाँ से उतारूंगी इस कर्जे को, ये भी तो सही बात सोचो है, ना सर। सही बात है। तो गाइस मैं एक चीज कहूंगा, देखो दहेज एक तो बहुत बुरी प्रथा है, बट क्या हमारे इंडिया में क्या चीज है, दहेज को इतना हवा बना रखा है, इतना गैर कानूनी है, बट तू भी तो कोई दिक्कत नहीं आंटी। देखो आपकी बेटी सुशील है, पढ़ी लिखी, आपने तो पैसा लगाया, शादी तो होनी चाहिए। तो आपकी उम्मीद क्या है, हमसे क्या उम्मीद करके आए हो आप, जो हमारे पास आए हो हमारी वीडियो वगैरह देख, क्या उम्मीद करी सर आपने। मुझे भी आपके बारे में पता चला था अपनी किसी फ्रेंड से, उन्होंने बताया था, तो मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ सर, मुझे कोई सही सा रास्ता बताइए जिससे मेरी बेटी की शादी हो सके। सही तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो आपके हस्बैंड कब आपको छोड़ के चले गए। सर 8-10 साल हो गए सर, छोटी सी थी है। 8-10 साल हो गए। अच्छा बेटा तुम्हें अपने पापा की कमी नहीं खलती, के होते तो वो शादी अच्छी धूमधाम से करवा पाते। खलती है, लेकिन पापा का थोड़ा माइंड ऐसे था, वो मम्मी को मारते थे कभी, मेरे को मारते थे, तो उनका ना मतलब बिहेवियर बहुत चेंज था, मार से ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ, अच्छा और चांस पता नहीं क्या हुआ उस पर, दारू इतना पीते तो बहुत ज़्यादा, फिर एक दिन हमें छोड़ के चले गए, फिर हमने वापस ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा तो आंटी जो आप बहादुरगढ़ में आप रहते हो, किराए पे रहते हो अपना मकान है क्या से जी आपका। नहीं किराए पे रहते हैं हम लोग किराए पे रहते हो, जी। अच्छा तो आप कैसा लड़का, लड़का कैसा चाहती हो, लड़का कैसा होना चाहिए देखो कि। जैसा मेरे साथ हुआ ना मेरी बेटी के साथ ऐसे बिल्कुल भी ना हो, खुश रखे, चाहे 2 रोटी खिलाए, लड़का चाहे गरीब हो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी रिच फैमिली में जाए, बस मेरी बेटी को सुख मिले, जो मैं तरसी हूँ ना मेरी बेटी नहीं तरसे उस चीज के लिए, अच्छा आप चाहते हो जो कि लड़का ऐसा मिले कि इसे सुख सुख से से रखे, रखे, अमीर बस हो या ना हो ना बात हो, अलग वो है। बात और अलग अन्नू है। तुम्हें कुछ कहना है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। देखो मम्मी ने तुम्हारे कह दिया, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए थोड़ा आप ही बता दो। मैं थोड़ा जेन्युइन लड़का होना चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी का भी ख्याल रखे, अच्छा मम्मी का भी ख्याल रखे, और मतलब कि दूसरा क्या तुम्हें घर कैसे घर पे रखना अपने या कैसे। नहीं हाँ नहीं रहेंगी मम्मी अपने घर रहेंगे, मैं अपने ससुराल में रहूं, लेकिन थोड़ा मम्मी को भी देखे, मम्मी को भी समझा करे, वो मम्मी से ना उल्टा बोले ना बदतमीजी करे, और दूसरा मेरे जितने भी शौक है सब पूरा करवाए। अच्छा आपके शौक पूरा करवाए। आप ऐसे कितने पढ़े लिखे हैं आप थोड़ा बता दें हमें।
मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए किया हुआ है तो लड़का भी आपको ऐसा चाहिए जो आपकी बराबर का पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा ही हो, राइट। तो गाइस मैं एक चीज कहूंगा, आप देख सकते हो अनु जी को, और काफी अच्छी है, काफी सुंदर है, काफी है। और आंटी बहुत, आंटी पहली बात आप रो मत, देखो आप हमारे पास हेल्प में इतनी दूर से आए हो, मैंने आपको बुलाया है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी जनता आपको देख रही है फेसबुक पे, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और कोई चीज देखो, आप कितने पैसे की, आप बोल रहे कुछ पैसे भी मैं दे पाऊंगी, क्या पैसे देने की बात सर? 4-5 लाख रुपए से मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती अपनी बेटी की शादी। देखो आंटी, हम तो चाहते हैं कि बिना पैसे की शादी हो जाए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। शादी के जो पैसे लगेंगे शादी में, कि हम की जो शादी में लग जाए 1-2 लाख, उसमें हो जाए। और गाइस आप लड़की को देख सकते हो, एक बार जूम करते थोड़ा सा दोस्तों, आप लड़की देख रहे हो, लड़की अच्छी है, खासी है, एमबीए कर रखा है, और कोई भी पसंद करता है प्लीज आप इन्हें बताएं, इनका नंबर मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, प्लीज इनसे बात करें। और कुछ भी हो, और आंटी एक बार आप भी रिक्वेस्ट कर दो, कुछ भी हो थोड़ा रिक्वेस्ट कर दो। मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी को खुश रखो, अगर वो जॉब भी कराएंगे ना तो मेरी बेटी करेगी, अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, दोनों गृहस्थी को चलाएं सर। अच्छा, अभी आप ये नहीं चाहती है? नहीं सर, अभी तो घर में रहती है, घर पे कोर्स वगैरह करवा जी। इसके अलावा अभी कोई आपका बेटा बेटी नहीं है इसके अलावा? नहीं सर, इकलौती बेटी है मेरी, इकलौती बेटी है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा परेशान है फैमिली, बहादुरगढ़ में रहते हैं, आंटी किराए पे रहती है, और इनके हस्बैंड इन्हें छोड़ के चले गए, बस इनका ये है कि इनकी बेटी सेटल हो जाए और उन्हें खुशी के रखे। और प्लस अनु जी की ये है कि अनु जी की उनकी माँ का ख्याल रखे और उनका ख्याल रखे और उनकी सारी जरूरतें पूरे करे। ये तो नहीं लड़का कुछ और हाई स्टैंडर्ड का चाहिए अनु जी? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़का सही होना चाहिए, राइट? सही होना चाहिए, बिल्कुल लड़का सही होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छा सा लड़का मिल पाए। और आंटी जी आप इतनी दूर आए, और भी कुछ कहना चाहते, दहेज के बारे में कुछ कहना चाहती हैं आपकी? दहेज, मैं तो ये कहती हूँ कि बस दहेज प्रथा को खत्म करो। आंटी देखो, ये दहेज प्रथा एक ऐसी चीज हो गई ना, कई लोगों ने कोशिश करी, देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि खत्म हो, बट इतना होना चाहिए, अगर जो आज की जनरेशन आ रही है पढ़ी लिखी है ना, तो लड़के को समझना चाहिए, सही बात, कि मेरी भी बहन है, मेरी भी सिस्टर किसी के घर जाएगी, बस सही बात है। आंटी सबसे बड़ी बात है, हम लड़की भी दे रहे हैं, एक एक एजुकेशन लड़की भी दे रहे हैं, प्लस उन्हें दहेज भी चाहिए, और प्लस मैंने तो ये सुना दहेज के बाद भी वो करते रहते हैं, हर फेस्टिवल परेशानी करते रहते हैं। तो प्लीज हमें ऐसे ही रिश्ता दे, प्लीज आप ऐसे ही लोग कांटेक्ट करें, दहेज के लिए ना जाएं, दहेज किसी को चाहिए तो प्लीज हमसे कांटेक्ट ना करें। आप लड़की देख सकते हैं, लड़की अच्छी खासी है, उनकी मम्मी ने रिक्वेस्ट किया है, कोई भी मिले प्लीज इनका ध्यान रखे, खुश रखे, ये ना उनके पिताजी की तरह बाद में धोखा देके भाग जाए, ठीक है। तो किसी को भी कॉन्टेक्ट करना हो, नंबर है मेरा, मैं नंबर अपना नीचे दे रहा हूँ, मेरे से बात करें, जो भी लड़की पसंद हो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू, आपने टाइम दिया, मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है, और आप जैसे भी होगा मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू।